एक आदमी तो बातें कर रहा है, वजू कर रहा है, पहले उसका ध्यान नहीं है कि जा कहां रहा है, तो नमाज में कैसे उसका ध्यान होगा। फिर इंसान बहरहाल जिंदगी में बुरा नहीं है कोई एक किताब पढ़ ले आजाब हालात पर, नमाज कैसी होनी चाहिए, नमाज कैसी हो, क्योंकि ये डेली की इबादत है। और जो इंसान ज्यादा कर रहा होता है उस पर तवज्जो उसकी नहीं है। हमारी बहुत अगर कोशिश हम कर भी लेते हैं तो पर भी अच्छी कर लेते हैं, बोला बहुत सही होनी चाहिए मौलाना साहब, ठीक है हाँ ठीक है ठीक है। बाकी चीजें इंसान की कंसंट्रेशन क्या है, इंसान जब और बहरहाल फलसफाए नमाज राज है, ये नमाज हर हाथ उठाए जाए रुकू का क्या है, उलमा ने इसको बयान किया, बहरहाल वक्त नहीं है कि हम बहरहाल इस डिटेल में नहीं जाए। बाकायदा कुरान की आयात सूरतें जो पढ़ी जाती है उसकी भी बहरहाल डिटेल है, तफसीर है, हिकमत है, इंसान सजदे में ऐसा क्यों है, उठता क्यों है, सजदे के दरमियान में क्यों है, खूब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कहने को, क्योंकि रोज का अमल है। इसको अगर इंसान बेहतर कर ले तो खुदा की बारगाह में बेहतर चला जाएगा। सजदा जो है बहुत बेहतरीन अमल है नमाज के तमाम अरकान में, और कहा जाता है कि अगर दुआ मांगनी है तो सजदे में मांगो। सजदा तीन तरह का है कि जो हम आइमा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में देखते हैं। रावी बयान करता है कि मैं इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की खिदमत में गया, इमाम की खिदमत में गया, इमाम सजदे में हजार दफा ला इलाहा इल्लल्लाह हक्कन ला इलाहा इल्लल्लाह हजार दफा हो गई। ये नारे इमाम सजदे सैयदुस साजिदीन थे, सजदों के जो सरदार हो, सजदों को जो जीनत बख्शने वाले, उनके सजदे कैसे होंगे। लेकिन बहरहाल हम कोशिश तो कर सकते हैं। तीन तरह के आइमा अलैहिस्सलाम के, एक तो नमाज में सजदा था, गुजारा वो उसको बहुत दूर नहीं देते थे, लेकिन एक सजदा जो किसी भी वक्त में, किसी भी वक्त में उन्होंने सजदे किए हो, नॉर्मल वो सजदों में चले जाते थे और सजदे के अंदर रहते थे। और एक सजदा मुस्तहब नमाज का, उसको आप दूर ले सकते हैं, आप उसको तुलानी कर सकते हैं। वो इंसान सजदों को तुलानी करे, रिवायत है कोई आया पैगंबर की खिदमत में और कहा कि या रसूल अल्लाह मैं जन्नत में आपका हमसाया होना चाहता हूँ, यानी आपके नेबर्स में जन्नत में रहना चाहता हूँ। तो रसूल खुदा ने क्या फरमाया, अपने सजदों को तुलानी करो, एक्सटेंड करो, अपने सजदों को एक्सटेंड करो, अगर चाहते हो मेरे हमसाए रहो। वो इंसान बहरहाल सजदे में है। तो इमाम रजा अलैहिस्सलाम इमाम का एक साहबी जिसे काफी रिवायात भी नकल फजल इब्न काजान निशापुर में उनका मकबरा है, उनके लिए शख्स कहता है कि मैं खिदमत में गया, फजर का टाइम था, तो मैंने कहा कि मुझे काम था, मैंने देखा सजदे में है और काफी इंतजार किया फिर भी सजदे में है। जब सूरज थुलू हुआ, रोशनी निकल आई, तब सर सजदे से हटाया। मैंने कहा कि मैं इतनी देर से खड़ा हूँ, माजरा क्या है, हम सजदे में इतना लंबा सजदा। तो कहते हैं कि तुमने फलाने शख्स का सजदा नहीं देखा, यानी उसका सजदा बहुत बेहतरीन सजदा है, यानी अपने सजदे को बेहतरीन नहीं कहा। वो रावी कहता है कि मैं उसके पास भी गया, मैंने उसे देखा कि वो फजर की नमाज से जोहर की नमाज तक सजदे में, जब उसने सर सजदे से उठाया तो वही सवाल मैंने उससे किया था, मैंने कहा इतना बोला नहीं, तो उसने बोला तुमने फलाने शख्स का सजदा नहीं देखा। यानी ये खुद एक तरबियत का पॉइंट है कि जब कोई आपकी तारीफ करे आप ये नहीं कहो हाँ माशाल्लाह जी बस मैं क्या कर सकता हूं, नहीं, अपने से बरतर का जिक्र करें ताकि आपका गुरूर और तक